मेरा नाम शिखा बत्रा है और हम यहाँ मुंबई अंधेरी वेस्ट एरिया में स्थित हैं और हम यहाँ इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारी वचनबद्ध मूवी का। रजनीश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं एज ए फ्रेंड यहाँ पर आई हूँ, उन्हें बधाइयाँ देने बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या मतलब एक्टिंग लाइन से है, क्या किया है आपने, क्या करने वाले हैं? जी जी, कैसा अनुभव रहा अभी तक का? जी बहुत अच्छा अनुभव रहा है अभी तक का और मैंने काफ़ी सारा वर्क किया है, बहुत जल्दी मार्केट में आएगा और आज सबको देखने का मौका मिलेगा। और अभी जो आगे लाइनअप है वो मैं अभी क्लियर बोल नहीं सकती हूँ। थैंक यू। लगी है मैं यहाँ बस एज अ गेस्ट आई हूँ, मैं चाहती हूँ बस ये मूवी और अच्छे से आगे बढ़ती रहे। मुहूर्त बहुत अच्छा हुआ है, मूवी की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी होगी और सब कुछ अच्छा होगा और रिलीजिंग पे सब लोग आइएगा, देखिएगा और अपनी शुभकामनाएं अपनी ब्लेसिंग्स इस मूवी को पक्का दीजिएगा। थैंक यू। मेरे बारे में, मेरा भी जस्ट स्टार्टिंग है, मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन जितना किया बहुत अच्छा किया है और आगे उम्मीद है बहुत अच्छा करूँगी और कोशिश करूँगी आप सब लोगों को मैं बहुत पसंद आऊँ। धीरे धीरे करके मैं जो काम करूँगी वो आप लोग पसंद करें, देखें और अपना प्यार दें और मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स दें इस मूवी के साथ साथ, उसके लिए थैंक यू। वो आपको पता चलेगा, हिस्सा भी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लेजा है और आज गठबंध मूवी की जो मुहूर्त हुई है काफ़ी अच्छी मुहूर्त हुई है और इसी के साथ साथ त्यागी सर के साथ मेरी ये पहली मूवी है तो होप सो काफ़ी अच्छी हो और हम साथ में कंटिन्यू और काम करें और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग है। इसके साथ साथ मैं इस मूवी का एक हिस्सा भी हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं अपने हेयर्स के साइज, हेयर्स के साथ और अपने लुक्स के साथ हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, सो ये भी उसी का एक पार्ट है और मेरी जल्दी ही मूवी आने वाली है, वो आप सबको शायद जल्दी ही पता चल जाए। थैंक यू। क्या फिल्म है, क्या जी? अशोक अत्री सर को तो आप सब जानते ही होंगे, अशोक अत्री सर के साथ में ही आ रही है। थैंक यू। मेरा नाम राजेश यादव, मैं उत्तर प्रदेश जनपद मिर्ज़ापुर चुनार का रहने वाला हूँ और मैं बिरहा गायक जो पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो लोग विधा है वो बिरहा है और बिरहा के सिंगर आज भोजपुरी में बड़े स्टार हो गए हैं और हमारे मित्र हैं प्रदीप सिंह जो इस फिल्म के हीरो हैं, तो हमारी ओर से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई। माँ विंध्याचली से मैं प्रार्थना करूँगा कि फिल्म अच्छी बने, लोगों को पसंद आए और उन्हें बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जो डायरेक्टर रजनीश सर जी के बारे में अब क्या बताएं, वो तो बिल्कुल बड़े डायरेक्टर हैं, मजे हुए डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में बनी हुई सारी फिल्में अच्छी बनती हैं और हिट बनती हैं, उनको भी हम बहुत बहुत प्रणाम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि लगातार वो अच्छी फिल्में हम सभी को देते रहें। जो दिल से दिल जुड़ा कोई गाना है जो आपने गाया हो? ओ सर, देखिए मैं मिर्ज़ापुर ज़िले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश माँ विंध्याचली के आंचल में बसा हुआ है मेरा मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर की कजली पूरे विश्व में मशहूर है, तो एक दो लाइन कजली मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। हो लाली लाली हरी, हो लाली लाली हरी। सर मैं रजनीश त्यागी, सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों का और आप सब चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप लोग आए यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत प्रोत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ। ये समझिए कि मेरा एक हिसाब से मैं 30-35 साल हो गया लाइन में, पहले प्रोडक्शन डायरेक्शन असिस्टेंट किया एंड आफ्टर दैट जो फिल्में हैं घराजा परदेसी, फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी, चोरवा बनन दामाद और अभी लेटेस्ट एक रिलीज़ हुई है छठ माँ का आशीर्वाद और एक मेरा सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है विनस से, बेटी है तो कल है जो आप देख रहे हैं, जो फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तो इसका ये समझिए कि मेरे अंदर से एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, आई होप कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इसको अच्छी तरह से बना सकूँ, वचनबद्ध हूँ इसके प्रति और आप सबका आशीर्वाद और बाकी दोस्तों का यूनिट का सबका सहयोग चाहिए तो पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा बना सकूँ और अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकूँ। तो ये बताइए जो कला बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, वचनबद्ध क्या है, देखिए रियल लाइफ में हर इंसान हर शख्स कहीं ना कहीं वचनबद्ध है किसी ना किसी रूप में, इसी तरह मेरी कहानी के जो पात्र हैं जो किरदार हैं वो भी एक वचनबद्ध हैं किसी रूप में, कोई माँ के प्रति, कोई भाई के प्रति, कोई भाग के प्रति, कोई अपने बच्चों के प्रति और उसी वचनबद्धता के अंदर
वो अपनी वचनबद्धता को कितनी सच्चाई और ईमानदारी या फिर दूसरे तरीके से निभाते हैं, यही मेरा सब्जेक्ट। जी 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 हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो कलाकार हैं हमारे रविंद्र सिंह ज्योति जी हैं, जो बहुत ही अच्छे गायक हैं और काफ़ी प्रचलित हैं पूर्वांचल में। दूसरे एक हैं मनीष भट्ट, मनीष भट्ट अभी मेरी फिल्म छठ माँ का आशीर्वाद में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है। दूसरा है प्रदीप सिंह जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और जय कुमार। बाकी और दूसरे जो कलाकार हैं सपोर्टिंग, वो अभी फाइनलाइज करवा रहा हूँ। आज मुहूर्त इसलिए किया कि अभी दो दिन के बाद खरवास लग रहा है, तो उसमें हिंदू पद्धति के अनुसार, हिंदू कल्चर के अनुसार, तो हमारा फर्ज बनता है कि उससे पहले उसको फॉलोअप करें। बाकी और सपोर्टिंग में जो भी हैं फीमेल या सपोर्टिंग स्टार कास्ट, वो फाइनल होना बाकी। जी जी जी। म्यूजिक देखिए, एक में एस कुमार जी हैं जिन्होंने मेरी एक फिल्म थी फ्लोरिबिना चटनी कैसे बनी, आज से 10 साल पहले आई थी। जी जी, उसमें उन्होंने गीत लिखे थे, अभी संगीतकार ही बन गए हैं और काफ़ी फिल्मों में संगीत भी दे रहे हैं। और दूसरी फिल्म के हैं वो अभी यहाँ पर पता नहीं, शायद बिजी हैं कहीं, उनका नाम है बसंत पंडित, जिन्होंने मेरी अपना छठ माँ का आशीर्वाद में उन्हीं का संगीत है। और अभी जो विनस कंपनी से जो रिलीज हुई सॉन्ग्स आप देखेंगे उस पर डाल के, वो उन्होंने बनाया, बड़ा प्यारा बनाया, तो उनका गीत संगीत है। और कोशिश करेंगे कि अच्छा जो भी है फोवर्डपन ना हो, बट एंटरटेनमेंट के साथ में, जिसको फैमिली साथ में बैठ के देख सके, एक मनोरंजनकारी संगीत भी बना। जी जी जी, फिल्म की शूटिंग में करूँगा अपना पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, जौनपुर या मड़ियाहूँ और जो बनारस उसके आसपास के लोकेशन है। और मैं प्लानिंग अभी कर रहा हूँ, प्रभु का आशीर्वाद रहा और आप सब दोस्तों का, 15 फरवरी के बाद 15 से 20 के बीच शूटिंग करूँगा और 15 मार्च तक इसको खत्म करूँगा। हाँ, रिलीजिंग देखिए, पहले तो बना लूँ, अच्छी फिल्म बना लूँ, तो अच्छी फिल्म बनेगी तो रिलीज़ तो डेफिनेटली होना। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि फिल्में में जितने भी बनाई अभी तक, साइलेंस प्लीज यार, जितने बनाई है वो सारी रिलीज हुई हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा मेरे को जो दुख है इस बात का कि मेरे जो निर्माते थे, मतलब शायद वो रिलीजिंग जो आज का फंडा है, बिकॉज टोटली रिलीजिंग का आज का फंडा चेंज हो गया है, तो मैं बेसिकली हूँ प्रोडक्शन से, मिस्टर संजय खान और अपना जी टी वी एंड उसके बाद बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में किया है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं यार, फिल्म हम बना लेते हैं बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छी फिल्म बनाना बहुत अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा उसका अच्छी तरह से रिलीज होना, प्रमोशन होना, वो बहुत बड़ी बात है। ताकि क्या है ना, मुझे एज ए टेक्नीशियन आर्टिस्टों को और जो फंडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका धन मुद्रा निकल सके और पब्लिक तक पहुँच सके। तो कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी अच्छे लेवल पे इसको हम रिलीज़ कर सकें, PNA वगैरह जो कुछ होता है उसको कर सकें, तो आई ट्राई टू माय बेस्ट जितना भी होगा, और डेफिनेटली अच्छी फिल्म बनेगी तो रिलीज भी होगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी हर फिल्म सफल हो और ये और भोजपुरी फिल्म में ऊँचाइयों पर जाए डायरेक्टर के रूप में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति, मैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूं, और मैं मेरे बहुत सारे गाने हैं जो लोग सुन रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरी मुलाकात हुई सर से, रजनीश त्यागी सर से, तो एक इन्होंने प्लान किया तो मुझे भी इन्होंने इसमें एक ब्रेक दिया। मैं पहले, ये मेरे पहली फिल्म है, मैं इसके पहले अभी कोई फिल्म नहीं किया हूँ। मैं एल्बम बहुत सारे हैं, मेरे गाने बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन फिल्म ये मेरी पहली है। मुझे लगा मुझे इनके तरह का एक ऐसा लोग से एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी, तो मैंने इनको अप्रोच किया। मैं रविंद्र जी मैंने इनको अप्रोच किया कि रविंद्र जी आइए प्लीज़ मेरे साथ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। एंड सो नाइस ऑफ दिस गाय कि इन्होंने बिना वो हिस्से के बोला ठीक है हम करते हैं। बाकी कहानी जो है अभी तक इनका करेक्टर ऑलमोस्ट फाइनल है, बट अभी तक इनको मैंने नरेट नहीं किया क्योंकि आज ही जल्दबाजी थी, कल ही आए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इनको क्लियर करूँगा। बाकी बहुत ही इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस पर्सन, और उम्मीद है कि मेरे साथ में काम करके अच्छा लगेगा हम दोनों को।
मैं मीडिया भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गरीब भाइयों को नहीं, मीडिया भाइयों को, गरीब भाइयों को नहीं। अब वही बात है कि वो क्या है, तो अब मैं मीडिया भाइयों को बहुत शुक्रिया अपने दिल से अदा करना चाहता हूँ कि अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के हम आर्टिस्टों के लिए देते हैं और उनका स्वागत करें। और नहीं, बिल्कुल आपका काम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो है, लेकिन आज हमको स्टार बनाने में, किसी को भी स्टार बनाने में लोग का बहुत बड़ा सहयोग है। आप हमारे और मीडिया के और पब्लिक के लिए बहुत बड़े मेडिटर हैं। अगर आज किसी को स्टार बनाते हैं और गिराना चढ़ाना, उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए मैं आप लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। और देखिए, मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं अपना चाहूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन एक्टिंग करके लोगों को अपनी तरफ और जनता को अपनी फिल्म की तरफ आकर्षित कर सकूँ। हमारे रजनीश जी जो डायरेक्टर हैं, बहुत अनुभवी डायरेक्टर हैं, उनकी कम से कम 5 फिल्में आ चुकी हैं मार्केट में। और दुआ मैं करता हूँ उनके, और भगवान आगे तरक्की दे और हम लोग पूरी टीम हमारी आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है अपनी पूरी टीम की तरफ से। और तो बस इसी बात, आपके अलावा कौन से कलाकार हैं और हीरोइन को सबसे पहले तो हीरोइन जाना जरूरी होता है। देखिए, ये चीज़ जो है, हमारे डायरेक्टर से आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हम कोई अपनी कास्टिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्टर साहब से आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। हमारे होनहार कलाकार हैं जो कि हीरो लीड में हैं, और हमें बहुत ही इस बात से खुशी है कि ऐसे नवयुवकों को हमारे डायरेक्टर त्यागी जी ने सहयोग दे रहे हैं, और हम उम्मीद उनसे यही करते हैं कि सारे नवयुवकों को उम्मीद देंगे। स्टार लोगों को तो सभी लोग स्टार देखते हैं, पर त्यागी जी के अंदर जो ये देखने को मिल रहा है कि नए युग और नए युग की शिलान्यास कर रहे हैं, वो बहुत देख के बहुत खुशी हुई। और इसमें कास्टिंग के लिए भी मुझे बोले त्यागी जी, हम कास्टिंग के लिए भी उनको किया और सब नए युग के लिए किया, नए चेहरे के लिए, और उससे प्रभावित भी है। सबसे पहले हम सबको नमस्कार करना चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टर रजनीश जी हमें इस फिल्म लायक चुने। और जैसे हर कोई अपने परिवार में एक वचनबद्ध होता है, माँ से, भाई से, बाप से, हर किसी से, वैसे ही इस फिल्म में है, हम किसी से वचनबद्ध हैं। हम कहाँ वचनबद्ध हैं ये हम आपको थिएटर में दिखाएंगे। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा नाम रुद्र सिंह है, लोग प्रदीप सिंह कह के बुलाते हैं। अब वो हमें देखें, उस लायक हमें समझे होंगे, उनके लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें उस लायक समझे और हमें बुलाए, और जो उम्मीद लगा के हमें बुलाए हैं, हम उस पर खरा उतरने के लिए अपने आप को कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं छोटी छोटी कैरेक्टर कुछ फिल्मों में किया था, और अच्छा कैरेक्टर किया था, किसी में बड़ा चांस नहीं मिला था तो नहीं किया था। अब रजनीश सर उस लायक समझे हैं तो यहाँ बड़े पर्दे बुला रहे हैं मुझे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम सबसे पूरी तरह मिलजुल नहीं पाए हैं, उसके बारे में मुझे पूरा नहीं बता सकते। अपने फैंस यही कहेंगे हम कि हर किसी को तो देखे ही हो, एक बार हमें भी आओ थिएटर में, हमें भी मौका दो। हीरोइन कौन है अभी? अभी हमारे 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 अपोजिट में जो हीरोइन है, तभी हमारे डायरेक्टर सर ही बता सकते हैं कि हमारे सामने किसे ला रहे हैं। अब सर जब वचनबद्ध हैं हम, तो कुछ तो छिपा के ही रखना पड़ेगा। जो कि बहुत अनुभवी डायरेक्टर हैं, बाकी तो त्यागी जी ने सब बता ही दिया है। फिल्म है, वचनबद्ध है हम, बेटी है तो कल है, बहुत अच्छी फिल्म है, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। और बड़े अच्छे ढंग से ही फिल्म बनेगी, हम माता जी से यही आराधना करते हैं कि अच्छे ढंग से बन जाए और दर्शकों को रिलीज हो। कुछ वजह नहीं है, कुछ बड़े बस बन गया कर दिए, अच्छे लोगों का साथ मिला, जुड़ गए। हाँ, रजनीश त्यागी तो बहुत अनुभवी डायरेक्टर, उनकी 5 फिल्में आई आपके सामने, जो भी कि अभी एक हम और रजनीश जी मिल के एक अभी एल्बम की है, बेटी है तो कल है, विनस रिलीज हुआ है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बाकी
जी जी मैं गीतकार संगीतकार एस कुमार नमस्कार करता हूँ। और आज हमारे फिल्म वचनबद्ध हैं हमका मुहूर्त हो रहा है, जिसके प्रोड्यूसर हैं विकास केसरवानी जी, रजनीश त्यागी जी, और डायरेक्शन भी कर रहे हैं। उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस फिल्म के लिए मुझे वो संगीतकार के रूप में चुना है। दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको भी दिल से हमारे प्रोड्यूसर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि अपने फिल्म में मुझे म्यूजिक के लिए अनुबंधित किया है। कितने गाने होंगे इसमें? 8 गाने हैं और हर तरह के गाने होंगे, सिर्फ गंदगी छोड़ के हर तरह के गाने होंगे। गाने जो मेलोडी होंगे और रोमांटिक गाने हैं सारे, कुछ आइटम भी होंगे तो अपने दायरे में रहेंगे। हम अच्छा गाने गाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, और अच्छे गाने ही बनेंगे इससे। आप लोग भी सुनते आए हैं हमेशा, मैं काम करने का अच्छा कोशिश करने की करता हूँ, अच्छा गाना बनेंगे इसके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा और वचनबद्ध के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं। और रजनीश त्यागी सर का मैंने अभी एक सॉन्ग किया था बेटी है तो कल है, बहुत अच्छा सूट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया उसका, और आगे भी काम करना चाहेंगे। विकास जी को और रजनीश सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं ज्योति वर्मा, और जैसे कि ये बोली कि हम लोग बेटी है तो कल है, हम लोग किए, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और हम लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी दोनों तरफ, हमारी तरफ से, हमारे फ्रेंड तरफ से, और पूरी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और है कि आगे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरा नाम जागृति केसरवानी है और हमारे एक सॉन्ग बना है, उनका नाम है बेटी है तो कल है, और हमारे डायरेक्टर है रजनीश त्यागी सर, और हमारे प्रोड्यूसर है विकास केसरवानी। तो हम यही चाहेंगे कि सबसे हमें शुभकामना चाहिए, और थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका चौहान है, हमारा एक सॉन्ग है बेटी है तो कल है, और फिल्म वचनबद्ध हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे डायरेक्टर का नाम रजनीश त्यागी है, प्रोड्यूसर का नाम विकास केसरवानी है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। एक फिल्म के कार्यक्रम में आए हुए हैं, वचनबद्ध फिल्म का नाम है, और हमारे फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं रजनीश त्यागी जी। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मार्केट में आपकी फिल्म सुपरहिट हो, और बड़ी खुशी की बात है कि अभी बेटी है तो कल है इनका गाना अभी वीनस कंपनी में रिलीज हुआ है, चंपक जैन जी के माध्यम से। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और ऐतिहासिक फिल्म है ये। और हमारे बीच अमित श्रीवास्तव जी हैं, तो शब्द बोलेंगे वचनबद्ध फिल्म के बारे में। जी, हम लोग कामना करते हैं, रजनीश जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और इस फिल्म के लिए, और बीच में हमारी मीटिंग हुई बिजनेस कंपनी में चंपक जैन जी से, तो बेटी है तो कल है ये गाना रिलीज करने के लिए सब तैयारी की, और हम ऐसी शुभकामना करते हैं कि आगे ये सारी टीम काफ़ी प्रोग्रेस करे और ये लोग आगे बढ़े। हमारा ये सर्कल है और हमारा खुद का भी बैनर है मित्राज फिल्म, तो हम लोग सब एक साथ मिलके काम करते हैं, और माता रानी से यही कामना करते हैं कि ये लोग सब सफल हों और आगे बहुत अच्छा कार्य करें। बस मैं यही भोलेनाथ बाबा से कामना करता हूँ। थैंक यू। हर महादेव।